है, प्लीज इसके बजाय आप सूफी ऑयल इस्तेमाल कीजिए, ये बेहतरीन है। या आप किसान ऑयल इस्तेमाल कीजिए, या आप मैजान ऑयल भी यूज कर सकते हैं। चाय की पत्ती पर आते हैं, लिप्टन भी एक ज्यूइश कंपनी है, इसके बजाय आप इस्लामाबाद टी या वाइटल टी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्किट्स पे आते हैं, लू एक बहुत बड़ी फ्रांस की कंपनी है, इसके तमाम बिस्किट्स लेना बिल्कुल बंद कर दें। लू के प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर दीजिए, साथ साथ ओरियो को भी बायकॉट कर दीजिए। इसकी जगह आप बिस्कोनी, मेफेयर, विस्लर्स, पिकफिन, इसका नाम अब इंग्लिश है, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पैक हर्गिस मत यूज कीजिए, नीडो का भी बिल्कुल बायकॉट कर दीजिए। इसकी जगह आप हलीब, नोरपोर्ट, प्रेमा, एडम मिल्क या अनहार मिल्क यूज कर सकते हैं, ये बेहतरीन मिल्क है। मैगी नूडल्स भी यहूदियों की प्रोडक्ट है, इसकी जगह पे आप शान नूडल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, प्योर पाकिस्तानी है। केएनएनस भी इसी तरह से ज्यूइश की प्रोडक्ट है, इसकी जगह पे आप सूफी के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। नोर भी यहूदियों की प्रोडक्ट है, इसकी जगह पे आप नेशनल यंग्स मिचल्स की प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेज भी यहूदियों का ब्रांड है, इसकी जगह पे आप ओए होए चिप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूटेला को भी हरगिज मत इस्तेमाल कीजिए, ये भी ज्यूइश प्रोडक्ट है, इसकी जगह पे आप यंग्स यूज कर सकते हैं। चॉकलेट में डेयरी मिल्क, किटकैट बायकॉट कीजिए, ज्यूइश प्रोडक्ट है, इसकी जगह पे आप नोवेला या सोनट का इस्तेमाल कीजिए। यूनिलीवर यहूदियों का बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत सारे और प्रोडक्ट्स आते हैं, रफान भी इसी का हिस्सा है। रफान की तमाम अशिया लेना बिल्कुल बंद कर दीजिए, इसकी जगह आप नेशनल, मिचेल्स, लजीजा, यंग्स की प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। जूसेस में आप तमाम टैंक के जूसेस लेना बिल्कुल बंद कर दीजिए, इसकी जगह आप जामे शीरी, रू अफजा, लीमो पानी इस्तेमाल कीजिए और पाकिस्तान की इकोनॉमी में इजाफा कीजिए। इसलिए भी ज्यूइश कंपनी है, इसके जूस में फ्रूटा वाइटल का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए, इसका बायकॉट कर दीजिए, इसकी जगह आप पुटियन या मजा की प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। आइसक्रीम्स में वॉल्स और ओमोर का बिल्कुल बायकॉट कीजिए, ये ज्यूइश प्रोडक्ट है, इसकी जगह आप हीको की प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर की जगह शक्कर इस्तेमाल कीजिए, केएफसी, मैकडोनल्ड की जगह हॉर्डी से खा लें, खुदारा अपने मुल्क की इकॉनमी में इजाफा कीजिए। ते हैं यहूदियों की बैकबोन की तरफ, की मशरूबात कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ, पेप्सी कोला रिकॉर्ड कीजिए, तो इन यहूदियों, इन काफरों, इन एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम जो मुसलमान के दुश्मन है, इकॉनमी वैसे ही गिर जाएगी। इन पैसों से हमारे मुसलमान बहन भाइयों का सरेआम कत्ल कर रहे हैं, गजा में, फिलिस्तीन में, लिबनान में। पेप्सी कोला का खुदारा बायकॉट कीजिए, इसकी जगह पे आप गोरमे के प्रोडक्ट्स अमृत कोला इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है कि आप शुगर केन जूस खरीदे, नेचुरल भी है, बेस्ट है, और उससे पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा, हमारे किसानों को बहुत फायदा होगा। बेबी प्रोडक्ट्स की तरफ आते हैं, तो जॉनसन कंपनी का मुकम्मल बायकॉट कीजिए, ये प्योर ज्यूइश कंपनी है।